एपिसोड एंड मॉम्स जितनी भी हमने आपसे प्रीवियस एक्सरसाइजेस शेयर करी हैं वो आप सबने स्टार्ट कर दी होगी, उसकी ड्यूरेशन भी करा दी होगी, प्लस आप उसके साथ डाइट भी कर रहे हैं, फ्राइड आपने बंद कर दिया होगा अभी तक एंड शुगर रेट कम हो गया होगा और फ्लूड्स आपके बढ़ जाने चाहिए। और मॉम्स आपकी क्वेरी आ रही है कि हम ये एपिसोड इतने छोटे क्यों रख रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये एपिसोड हम सिर्फ आपको एक्सरसाइज सिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको ये एक्सरसाइज इस एपिसोड के एंड में दोबारा से रिपीट करनी है, तो आपको और ये सारे एपिसोड जो हम कर रहे हैं ये सारी एक्सरसाइज आपको कंबाइन करके करनी है, नॉट विद फर्स्ट एपिसोड डन, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सारी एक्सरसाइज आपको करनी है दोबारा और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाते बढ़ाते हैं। और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे एसी नहीं चलाना है, फैन को बहुत स्लो करना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और हमें और भी मॉम्स की क्वेरी आ रही है लाइक जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है वो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं या नहीं, तो प्लीज मॉम्स अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो प्लीज आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, आप बहुत लाइट वॉक कर सकते हैं, आप वॉक कर वॉकिंग कीजिए अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, तो डाइट भी करनी है तो डाइट भी आप कर सकते हैं, हमारे लाइट बहुत साइज ड्यूरेशन बहुत कम टाइम के लिए चाहिए। और जो हमने सैलेड्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने लास्ट एपिसोड में, आई एम श्योर आपने वो ट्राई जरूर किए होंगे और आपको वो खाने के बाद कैसा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है कि नहीं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम भी और मोटिवेट हों आपके लिए और ऐसी रेसिपीज। और आपके कोई भी सजेशन है हमारे एपिसोड्स के बारे में और कोई टिप्स देना चाहते हैं प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर लिखिए, आपका मोटिवेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेचिंग, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज जो होने वाली है, पहले वार्म अप कर लीजिए अपनी बॉडी को, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अब हम अपनी जो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं जो है स्क्वाट्स। सो अपने लेग्स आप ओपन कीजिए शोल्डर्स के पैरेलल जैसे करते हैं, दोनों हैंड्स फ्रंट में जॉइन कीजिए हैंड्स को एंड देन सिट। आपको मैं आपको पहले पोस्चर बता देती हूँ, ये जो आपकी नीज है आपके टोज से आगे नहीं जाने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आप उतना ही ओपन कीजिए जितना आप बैठ सके, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप गिर सकते हो, बैलेंस बिगड़ सकता है और आपके बैक में पेन भी हो सकता है। जैसे मॉम चेयर पे बैठते हैं हमें वैसे ही बैठना, जितना बैठ पा रहे हैं उतना बैठिए, जरूरी नहीं है आप पूरा ऐसे बैठ रहे हैं लेकिन वो पोस्चर गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, आपके नीज आपके टोज तक जाना और आपको पेन हो सकती है, इसलिए आप धीरे धीरे आप स्टार्ट होल्ड कीजिए इसका भी हम 10 के सेट्स कर 10 का एक सेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप इसके बाद थोड़ा वार्म वाटर स्किप कर सकते हैं और थोड़ा सा स्टेप अप जरूर कीजिए क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा वार्म वाटर की सिप भी आप ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज। यस, अब हमें सेकंड एक्सरसाइज में हमें अपना लेफ्ट लेग फ्रंट में करना है, देन हमारे जो ये हैंड्स है वो इससे स्ट्रेट रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, आप ऐसे 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 कुछ नहीं, शोल्डर्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट, नाउ बेंड लाइक दिस, नीज को आपको टच नहीं करना, रिपीट करेंगे दूसरी लेग, रिपीट विद योर राइट लेग, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा पेनफुल है ये एक्सरसाइज बट बहुत अच्छी है, आपके थाइस के लिए बहुत अच्छी है, जिनके थाइस को हैवी है लोगों का हार्ट को जिसको रिड्यूस करना है वो जरूर इस एक्सरसाइज को करें। 7, 8,
अगेन रिलैक्स मॉम्स, आपकी बॉडी अब यूज टू हो चुकी होगी इन एक्सरसाइज के लिए, अब आपकी बॉडी में पेन ज्यादा नहीं होगा अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो। वाटर अगेन आप पी सकते हैं, पानी आपको पीते रहना है, लिक्विड इनटेक अपना हाई रखना है, ये तो आप तक पता चल ही गया होगा क्योंकि स्वेट होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। एक्सरसाइज के बाद बहुत स्वेट हो रहा है एंड स्वेट होगा उतना ही वेट रिड्यूस। सो मॉम जैसा कि आपको पता है फर्स्ट एपिसोड्स में हमने थोड़ा काम किया था अपने स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज पे, फिर हमने थोड़ा काम किया बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पे, अब ये जो एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे थोड़ा थोड़ा मसल बॉडी स्ट्रेंथिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको सांस फूलना और वो सब होगा विच इज नॉर्मल, थोड़ा पेन होगा विच इज नॉर्मल। सो अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको अपना लेफ्ट नी ऊपर लाना है, टच करना है अपने राइट हैंड के नी से एल्बो से। लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोशिश कीजिए बैक स्ट्रेट रहे और लेग जितना ऊपर आ सकता है उतना ऊपर लाइए, और ये सेट आप रिपीट भी कर सकते हैं, हमने आपको ये 10 सेट दिखाए, आप अपने अकॉर्डिंग 20, 40, 60 आप इस ड्यूरेशन बॉडी ले सकते हैं, आप उतना कीजिए उतना। अगेन टेक अ रेस्ट आफ्टर दिस एक्सरसाइज, स्टेप अप फॉर 1 मिनट। सो देवर नेक्स्ट टू लेट्स डू आवर नेक्स्ट यस प्लैंक। प्लैंक जो है बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करता है एंड पूरी बॉडी जो है हमारा बेली फैट सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है बेली फैट की एक्सरसाइज बताइए। तो ये प्लैंक थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकती है इसको करने में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। इसके लिए आपको सीधा लेटना है, सॉरी सीधा लेटना है, सबसे पहले आपको पूरा नीचे तक लेट जाएगी, देन आपकी हैंड्स इस पोजीशन में होनी चाहिए एंड आपका फेस फ्रंट पे होना है, देन आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे अपवर्ड करें एंड ये आपको अपने टोज से टच करना है और इसमें हम काउंट करेंगे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाना है, एकदम से मत लाइए पेन हो सकती है आपको। डीप ब्रीदिंग इस एक्सरसाइज के बाद जरूर कीजिएगा एंड ये बहुत हेल्पफुल है, और आप 10 के काउंट में ये स्टार्ट कीजिए, इसको ज्यादा देर मत कीजिए नहीं तो आपकी बैक में, और ये इसका पोस्चर एकदम करेक्ट होना चाहिए नहीं तो बैक में बहुत पेन हो सकता है। सो मॉम्स ये प्लैंक बहुत यूजफुल है तो इसे हम एक बारी और करते हैं, हमने 12 मिनट का ब्रेक ले लिया है, अब हम अगेन उसी पोजीशन में जा रहे हैं, अपनी पूरी फुल बॉडी हम टच कर रहे हैं, आपकी चेस्ट ऐसे टच होनी चाहिए फ्लोर को फुल बॉडी, देन धीरे धीरे आपकी बॉडी को पुल कर रहे हैं एंड नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन अगेन धीरे रिलैक्स, आपको बेंड हो। सो मॉम्स कैसा फील हो रहा है आपको हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करके? वी फील वेरी रिफ्रेश एंड मोटिवेटेड और आई थिंक आपको कुछ तो हमारा वेट रिड्यूस कर ही रहा होगा, तो आई होप आपका भी कुछ ना कुछ वेट रिड्यूस जरूर हुआ होगा। अभी चेक मत कीजिएगा, हम 15 डेज के बाद ही इसको चेक करेंगे कि कितना हमने रिड्यूस किया है इस 15 डेज के वेट लॉस चैलेंज के बाद। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो डाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा और स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, वाटर पीते रहिए और हमारी डाइट की रेसिपीज फॉलो करते रहिए। सो मॉम्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय।